जयपुर में जगह जगह गणगौर पूजन की धूम मची हुई है। महिलाएं इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना कर मंगल कामनाएं कर रही हैं। इसी कड़ी में विजयवर्गीय वैश्य महिला मंडल की ओर से गणगौर उत्सव का आयोजन किया गया। महिलाओं ने सज धज कर गणगौर पूजा अर्चना की और मंगल कामना की। इस दौरान महिलाओं ने भगवान के भजन पर झूमती महिलाएं नजर आई। आपको बता दें कि होली के दिन से गणगौर की 16 दिन की पूजा शुरू हो जाती है। महिलाओं का त्यौहार गणगौर की शहर में पूरी जगह पर धूम मची हुई है। वहीं महिला मंडलों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर गणगौर के आयोजन किया जा रहा है। 16 दिन तक महिलाएं जो है यहां पर पूजा अर्चना कर रही है। इसी कड़ी में यहां पर आप देख सकते हैं एक जो है महिलाओं का ग्रुप है जो यहां पर गणगौर की तैयारियों में जुटा है। यहां पर इनसे जाने की कोशिश करते हैं। इस बार है ना महिलाओं में गणगौर का रुझान बहुत ज्यादा है। हर बार ही आता है लेकिन हर बार ही महिलाओं को लगता है कि ना सुहागन का त्यौहार है तो गणगौर में 16 दिन गणगौर पूजेंगे, डांस करेंगे, गीत गाएंगे, तो इसलिए बहुत रोजाना होता है। महिला मंडल की तरफ से हर बार इसको सेलिब्रेट करते हैं। सर ईसर का रूप मतलब शिव जी का रूप है, शिव जी और पार्वती जी का है। तो शिव जी और मतलब ईसर जी और गणगौर हैं। तो ये जब शादी होती है, पहली बार जब शादी होती है उस साल बावली शाल अपने पियर में रहती है लड़की और 16 दिन की गणगौर पूजती है और पति जो आता है वो ईसर के रूप में गणगौर को लेके जाते हैं अपने। ये 16 दिन गणगौर पूजते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जब सुख गुणे बनाते हैं और 16 श्रृंगार करके ये त्यौहार मनाया जाता है। देख सकते हैं कि 16 श्रृंगार कर यहाँ पर महिलाएं जो है यहाँ पर जो है पूजा अर्चना कर इस गणगौर की तैयारियों में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 टीवी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।